और हो गई भाई हमारी एंट्री इको पार्क में, धनोल्टी इको पार्क। अभी मौसम अगर यही सुहाना होता ना तो कितने मजे आते, पर मौसम ही गड़बड़ सा है। काफी सही सी, ये देखो बर्ड्स ऑफ धनोल्टी इको पार्क, ये सारे बर्ड्स हैं इसमें, ये सारे बर्ड्स हैं इसमें। अलग आ गई तो होंगे, तो देख बोल तो रही है कितने लंबे लंबे हैं पेड़। हाँ कितने लंबे हैं ये पेड़, एक रेडवुड ट्री था वो तो उसके सामने, बहुत बोल भी रही है कोई चिड़िया तो। कैसे हो आप सब लोग ऐसे पूछ रही है, मैं तो चढ़ते चढ़ते ऐसा लग रहा है वोमिटिंग सा। राज्य का क्या राज्य पक्षी मोनल। हाँ जी उल्टी तो जा रही आ रही है एडवेंचर और करना है। ये भाई धनोल्टी इको पार्क में पहुंच गए हम, और अरे झूला भी है, झूला भी है उधर, बैठ जाओ जाके उधर भी है, उधर किधर भी। भगो 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 भगो, बस झूले में झूला ही नहीं है, झूले में झूला ही नहीं है बस। ऊपर जाएंगे, बहुत ऊंचा सा है, अच्छा सा लग रहा है, है तो अच्छा, बस तबीयत ने साथ नहीं दिया है, तबीयत ढीली हो रखी है। वैसे अच्छा सा है कुछ, मतलब पीछे इधर देखो काफी सही सा कुछ है। हल्की हल्की ठंड भी है, हवा ठंडी है, और वो लोग तो पहुंच भी गए। अरे यार इन पे चढ़ने में जोर आ रहा है, चढ़ो 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 चढ़े चलो। ये तो इतना ऊपर और चढ़ना भाई, हालत तो अभी खराब हो गई, बहुत बहुत हालत खराब हो रही है। क्या इसमें, हाँ ये सही है, इधर से चढ़ो, वो सीढ़ियाँ चढ़ने में जोर आ रहा है, इधर से सही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में, ये ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ने में जोर आ रहा है, पर इधर फिसल गए ना तो फिसल ही गए फिर, ये सोच लो पहुंचे तो हैं। और ये लोग और बच्चों को फाइनली, हाँ फाइनली झूला मिल गया है। पीछे मत गिर जाना तुम लोग, अरे तेज मत करो पीछे गिर जाओगे, पीछे खाई है भाई। बस आराम से बैठ जाओ यहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स होके, रिलैक्स होके बैठेंगे यहाँ पे, अच्छा है वो अपने दरे कौन ले आप, अब दरे कौन ले आड़े थी गेर पड़ जाता, हाँ अब बेलपुरी घर जाके ही बनेगी वो, सामान तो पूरा लाए हैं पर बेलपुरी है? टमाटर गोने पर क्या, वो खीरा तो वो पड़ा है, अब वो है कैसा वो नहीं पता, धूप है लेकिन ये बात है, धूप की वजह से ही थोड़ा धूप नहीं होती ना तो अपना मौसम मतलब अपना मस्त है, थोड़ा पॉजिटिव आता है। और ये हम वापस उतरते हुए, धूप तेज है, अगर यही अच्छा मौसम होता ना बारिश वाला और भी मजे आते। तो ना वहाँ क्या कर रही है भाई, ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग करके आई है तो इतनी सी, यही ट्रैकिंग है यहाँ से देखो, अरे बाप रे कहाँ है, अच्छा इसका वो ही गया, बैक बैक करने वाला क्या, वही ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई, ऐसे देखो आप। शिनु भैया तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी, थोड़ी सी ठीक ठीक है क्या,
थोड़ी सी ठीक है क्या? चलो चलो उतरते हैं धीरे धीरे। वैसे यहाँ पे ठीक लग रहा था, फिर वापस ट्रेवलर में बैठो और उसमें हमें सबके सर घूम रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बैठते आराम से थोड़ी देर, पर क्या करें, घर वाले मानते नहीं हैं। यहाँ पे भी अपनी चलाते हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं। ये देखो उधर से हम लोग आए हैं, और अच्छा वो लोग वहाँ पे पहुँच भी गए नीचे, मस्त जगह। अच्छा किसी ने अपना नाम वो किया है निगा, नयन, कुछ भी नाम निकाल लो एन से भाई, एन किसी ने अपनी कार्विंग करी है, कार्विंग करी है एन के, ऐसे समझ लो नीरज और कल्पना है या कंचन समझ लो, नीरज और कंचन है। निको और कीर्ति नहीं हो सकता क्या? हाँ निको और कीर्ति भी हो सकते हैं भाई, निको और कीर्ति भी हो सकते हैं। अब आ रहा है अब सही लग, इतनी देर से फोन मेरा और ही मोड में चल रहा था और मुझे पता ही नहीं था, बट अब अच्छा सा लग रहा है। ये बन रही है रील्स यहाँ पे, 360 डिग्री की रील बनाई है भाई इन्होंने, और यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे घोड़ा गाड़ी मिल रही है भाई, घोड़ा गाड़ी नहीं घोड़े, घोड़े की सवारी कर लो जिसको घोड़े की सवारी करनी है, और ये हमारे दो घोड़े, हेलो घोड़े, इधर देखो यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है घोड़ों की, वो हो रही है देखो उधर घोड़ों के साथ फोटोग्राफी हो रही है, और हम जो है हमारे घोड़े को ढूंढते हुए, हमारे ट्रेवलर को ढूंढते हुए कि कहाँ जाके खड़ी हो गई है पता ही नहीं है। और ये हमारा काफिला फिर चला है अपने होटल की तरफ, सब आपस में लड़ते झगड़ते पानी के लिए झगड़ा कर लिया तुम लोगों ने, मांग रहे हैं ओके, ऐसे छीन छीन के लड़के को खड़े खड़े ट्रैवल करने में मजे आ रहे हैं ना, क्यों बैठना नहीं है, इसी में तो खाया था अपन ने, हाँ यहाँ पे नाश्ता किया था, वहाँ पे यहीं पे रहेंगे, ये डस्टबिन वाला नल यहीं पे रखा है, डस्टबिन का नल देखा क्या तुमने? हाँ मैं देखा। कैसा लगा डस्टबिन का नल? ठीक था क्या? कैसे रुखा रुखा कैसे हो रखा है तू, ऐसे थक गया, थोड़ा सा थक सा गया क्या? अब मेरे साथ क्या हुआ, कल मैं ना इतना ज्यादा थक गया था ना, जब हम लोग घूम रहे थे मैं आया, मैं ना रात के 3 बजे तक जागा था, ओहो बाद में सोया, इसलिए तो सुबह फोन आ गया किसका आया क्या? सैमसंग होटल तो हमें मिल नहीं रहा, और बैठे बैठे नई रेसिपी डिसाइड हो रही है। देखो ये लोग, मैंने इनको बोला कि मम्मा से ऑरेंज टॉफी ले लेना और उसको बोतल में डाल के ये बना लेना, तो ये तो मैंने बनाया हुआ है, ये तो टैंक का बनाया हुआ है, लेकिन वो टॉफी का तो हैप्पी भैया ने नया वर्ड डिस्कवर किया है, क्या करना पड़ेगा उसको? गूगू करना पड़ेगा टॉफीज को। अब भाई बता दो आप गूगू क्या होता है जो अगर जिसको पता है गूगू क्या होता है वो तो उनकी तो रेसिपी बन जाएगी तो एक बोतल में सारी टॉफियां डालना, पानी डालना और उसको गूगू करना तब ये बन जाएगा आपका तो ये नई रेसिपी यहाँ पे डिस्कवर हुई है धनोल्टी में बैठ के आराम से तो इसको घर जाके हैप्पी भैया पैलेस के सामने घर जाके बना के पिलाओगे आप? यस, गुगु शेक, गुगु शेक मस्त चढ़ा दी हमारी गाड़ी, ऊपर की तरफ चढ़ाई है एकदम, वापस पीछे कैसे जा रही है चढ़ाई पे, वापस पीछे जा रही है, ओ हाँ बहुत चढ़ाई से चढ़ाई है गाड़ी, जैसिका पैलेस मस्त, ये मस्त वाला रिजॉर्ट लिया है हमने, चलिए बाद में दिखाते हैं आपको यहाँ से व्यू, ये वाले रिजॉर्ट में चदरे उदरे नहीं लेनी,
छतरी उतरी नहीं लेनी, उधर से निकाल, ये सामान हमारा उतर जा रहा है, अभी एंट्री होगी, फिर दिखाते हैं आपको रिजोर्ट। ये देखो, मस्त वाला, मस्त वाला व्यू, मस्त वाला व्यू है यहाँ से, जिसमें से चाय गिर भी जाएगी इसमें से। चलो रूम देखते हैं। हैप्पी भैया रूम दिखाओ हमको। वाह सोफा भी है, ये और ये बाथरूम, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा मिल गया, काफी अच्छा सा है। और अभी तो पोछा ही लग रहा है जिसमें कि नहाने की बाल्टी है पता नहीं, बट ये काफी अच्छा सा है, कोजी सा, नाइस। दूसरा रूम देखते हैं, एक मिनट से यहाँ पे कितने रूम, एक कमरे में कितने सोने, दो पता नहीं, दो कैसे तो पहुंचा, और ये तीसरा रूम, ये हमारा रूम है। चप्पल अपन खोल दो साइड में, गंदगी बनी है। ये बाथरूम बड़ा है, ये बाथरूम बड़ा है। केला और व्यू, फ्रूट पार्टी विद दिस व्यू, कोई चीज तो खाओ प्रॉपर, है ना। किसको क्या हो गया, बुखार, बुखार हो गई इसको, बुखार हो गई।